Assalamualaikum everyone, हम आज जा रहे हैं दुबई एंड आपको दुबई की पूरी सैर कराने वाले हैं और आपको टिकट रेट्स, वीजा, वहां पे होटल्स और बहुत सारी चीजें, दोस्तों से मिलेंगे, मस्जिद जाएंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। 4 दिन का मेरा ट्रिप है तो पूरी आपको मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए लेट्स गो। चलो जी, हमारी पैकिंग तो हो गई है, नीचे कैब आने वाली है। हरमन नीचे कैब छोड़ने जा रहा है हमें। क्यों नहीं बनानी तेरी? हरमन कह रहा है मेरी क्यों बना रहा है वीडियो। किधर है कैब? अब यहाँ से जाना है बेंगलोर, बेंगलोर से दुबई है। 5 घंटे बेंगलोर पे बिताने हैं मुझे, वहाँ पे नमाज भी पढ़ लूँगा। लो जी, गाड़ी आ गई हमारी। अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय। एयरपोर्ट आ गया है। 2 घंटे वेट कर रहे हैं यहाँ पे, 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है। लो जी, एयरपोर्ट तो आ चुके हैं। चेक इन करना है, बैग चेक इन, लेट्स गो। पहले तो स्कैन होगा, फिर उसके बाद हमें इस साइड जाना है और वहाँ पे जमा कराना है। यहाँ पे बैग जमा होगा हमारा। ये हमारा बैग आ चुका है एंड इट्स 15 kg। अगर आपको दुबई जाना है और बैग चेक इन करते टाइम आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, तभी आपको वो बैग चेक इन करेंगे, नहीं तो आपको टिकट्स भी नहीं देंगे। चेकिंग हो गई हमारी, अभी हमारे गेट नंबर की तरफ जाना है हमें। गेट नंबर है 4। यहाँ पे हमें गुजारने हैं 2 घंटे वेट करना है। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा बेंगलोर, बेंगलोर में 5 घंटे का ले ओवर है, मतलब 5 घंटे वहाँ पे वेट करूँगा। से 7 बजे की मेरी फ्लाइट है टू दुबई। चलिए। अरे भाई साहब, बहुत भीड़ है यार यहाँ तो। दिस इज़ अर्थ लॉन्च, ये है यहाँ का लॉन्च एक्सेस, माशाल्लाह। और अभी हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हमें तो नीचे जाना है। मुझे लगता है मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई, लाइन लगी हुई है, बोर्डिंग स्टार्ट है। लो जी, फाइनली वी आर गोइंग, हमारी बस, लेट्स गो। लो जी, ये है हमारी फ्लाइट। अरे भाई साहब, तो यहाँ पे होगी हमारी चेकिंग। सो ये है हमारी सीट 14F। 1 घंटे में यहाँ से बैंगलोर। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको इन अल्फाजों के माने पता होने चाहिए। अल्लाहु अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभाना रब्बी अल अजीम मतलब पाक है मेरा रब जो अजीम मर्तबे वाला है, समी अल्लाहु लीमन हमीदा मतलब अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ की, रोबना लकल हम्मद मतलब हमारे रब आपके लिए तारीफें हैं, सुभान रबी अलाला मतलब पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद मर्तबे वाला है। सो गाइस, दिस इज बेंगलोर एयरपोर्ट। माशाल्लाह, यहाँ से अभी जाना है हमें। बैगेज कलेक्ट तो नहीं करना है क्योंकि बैगेज हमारा डायरेक्ट दुबई में मिलने वाला बैग। मुझे लगता है मुझे चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा बिकॉज बहुत लंबा एयरपोर्ट है। प्लेन लैंड किया था उसके बाद भी कम से कम आधा घंटा रनवे पे चल ही रहा था प्लेन। बहुत ही ज़्यादा प्यारा एयरपोर्ट है बेंगलोर का माशाल्लाह। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे आउटलेट्स हैं माशाल्लाह। चलिए बाहर जाना है, एग्ज़िट करना है, फिर उसके बाद टर्मिनल 2 पे जाना है हमें। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि हमारी अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। बस मुझे नमाज़ पढ़नी है फजर की। आई रियली होप कि यहाँ पे नमाज के लिए प्रेयर रूम ज़रूर होगा। देखते हैं, नीचे जाना है। वहाँ पे ऑफिसर खड़े थे, उन्होंने बोला नीचे जाओ, नीचे जाके शटल बस मिलेगी, फिर वहाँ से टर्मिनल 2। मेरे को सच बताओ, मेरे को दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छा लगा ये बेंगलोर का एयरपोर्ट। बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है चित्रकला यहाँ की। पूरा एयरपोर्ट खाली लग रहा है मेरे को, देखो गाइस। ओहो, एक तो मुझे इस चीज़ की भी टेंशन हो रही है कि मेरा बैग मुझे यहाँ मिलने वाला था कि दुबई में, क्योंकि जो मैंने टिकट ली थी वहाँ पे लिखा हुआ था क्लियरली कि आपको बैग लेना है और फिर से बैग जमा करना है, और उन्होंने बोला और लगेज वालों ने बोला कि नहीं, आपको डायरेक्टली दुबई में मिलेगा। सो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। लेट्स सी, ये मेरी ज़िंदगी का पहला इतना बड़ा एयरपोर्ट है। ये टर्मिनल 1 था एंड देन और टर्मिनल 2 पर जाएंगे। सर, टर्मिनल 2 के लिए शटल बस कहाँ मिलेगा? अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे आउटलेट्स बहुत प्यारे बने हुए हैं, बट ये इजरायली है गाइस, इसको इग्नोर कीजिए। वहाँ आगे तक आउटलेट्स बने हुए हैं, उसके पीछे भी, माशाल्लाह।
ये भी हराम चीज़ें भी हैं, थोड़ी थोड़ी होती हैं, अभी क्या करें। ये रही हमारी बस, यहाँ पे इस बस में हमें बैठना है। टर्मिनल 2 के लिए यही बस है। थैंक यू। 5 minutes later. लो जी, ये है एयरपोर्ट बेंगलोर का। माशाल्लाह बेंगलोर का एयरपोर्ट लगा है। यहाँ की मतलब जो सजावट है माशाल्लाह, बैम्बू वाला है, पूरा बैम्बू है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फुल बैम्बू है। रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसीद को यकी। भाई साहब यहाँ पे तो सब हमारे मियाँ भाई लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक्सचेंज करवाया, मनी एक्सचेंज। एक दिरहम 25 रुपीस का मिला है प्लस टैक्सेस, मतलब 14,000 रुपये मैंने 500 दिरहम लिए। तो आप यहीं से इंडिया से ही करवा के जाओ, वहाँ का भरोसा मत करो, क्योंकि अगर आप वहाँ से दिरहम एक्सचेंज कराओगे आई थिंक आपको 27 और 28 रुपीस का एक दिरहम मिलेगा। तो यहाँ पे करवाना ज़्यादा बेहतर है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। ठीक है जी। माशाल्लाह नीचे सारे अपने मियाँ भाई थे भाई, पूरे मियाँ भाई भरे हुए थे, किसी का वेट कर रहे थे फूलों लेके। भाई मेरे को उनकी, तब से मनी एक्सचेंज करवा रहा था, मेरे को उनकी भाषा ही सुनाई दे रही थी, मेरी उनकी लैंग्वेज, उनकी एक्चुअली बेंगलुरु लैंग्वेज होती है ना। जैसे हमारे एक जुबेर भाई हैं, अगर वो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, वो आए थे बेंगलोर से, अगर उनको पता चलेगा मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर आया हूँ और उनको नहीं मिला तो मुझे अच्छे से वो डांटेंगे आई थिंक। कॉल तो करेंगे फॉर श्योर, मुझे पता है। चलो जी अभी हम अंदर जाते हैं, बहुत हो गया अभी। यहाँ पे भीड़ कम है, वहाँ पे इतनी भीड़ है यार, ऐसा क्यों? ये बम्बू लगाए हुए है भाई इन्होंने हर जगह पे, इतने सारे बम्बू लगाए हुए, ऊपर तक बम्बू ही बम्बू है। देखो ऊपर भी बम्बू ही है, यहाँ पे आई थिंक हर चीज़ बम्बू से बनाई हुई है। लो जी ग्रैंड एंट्री इन टर्मिनल 2, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ऐसा लग रहा है किसी 5-स्टार होटल में आया हूँ मैं। कोई नहीं तुझसा, कोई नहीं, ए रसूले आमी खातमल मुरसली। आई कैन डेफिनेटली से कि ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट एयरपोर्ट है जो मैंने आज तक विज़िट किया माशाल्लाह। मैंने कंफर्म कर लिया जो मेरा बैगेज है वो फाइनली मुझे दुबई में ही मिलेगा। तो अभी मैं सिक्योरिटी चेक कर लेता हूँ, सिक्योरिटी चेक करने के बाद इमिग्रेशन। लो जी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एंट्रेंस है, इमिग्रेशन हो गया हमारा, एंड दिस इज़ द फाउंटेन इन फ्रंट ऑफ इमिग्रेशन। मैं आपको मेरे पीछे का इमिग्रेशन दिखा नहीं सकता हूँ, दैट्स नॉट अलाउड, बट माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये एयरपोर्ट। यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत स्वीट थे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, हमेशा साउथ इंडियन जो पब्लिक होती है ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वीट होते हैं। मतलब ऑफिसर्स भी बहुत सारे, पुलिस वाले स्वीट, ऑफिसर स्वीट, इतने प्यार मोहब्बत से बात करते हैं ना, मतलब बंदा उधर ही मतलब जान दे दे उनके लिए, ऐसा वाला सीन। तो ये एयरपोर्ट वालों की चाल होती है, ये पाथ के बीच में ना उन्होंने इतनी सारी ये महंगी महंगी दारुएँ, महंगे महंगे परफ्यूम्स, ये सब लगा के रखे होते हैं। देखिए कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स एंड उसके साथ साथ दारू और परफ्यूम्स, तो ये सब पूरा इन्होंने यहाँ पे फुल ऑन बना के रखा है। तो ये वाला ब्लॉग आई थिंक सो कि ये दुबई जब मैं लैंड करूँगा ना तब मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। और फिर एपिसोड्स बनाने वाला हूँ मैं दुबई के ब्लॉग पे। सो लेट्स सी, जिस चीज़ की तलाश थी हमें वो चीज़ मिल चुकी है, विच इज़ मल्टी फेथ प्रेयर रूम। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इन्होंने हर धर्म के लिए इन्होंने प्रेयर रूम बना के रखा है। आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा कि प्रेयर रूम कौन सा है, कैसा है। अब कैसे लग रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, हर जगह बम्बू ही बम्बू है बस। भाई एयरपोर्ट के अंदर देखो भाई, रिवर भी बना के रखी है इन्होंने, क्या कर रहा है भाई बेंगलोर वालों, हैं मज़ा आ गया यार, बहुत आ गया सही में। कुछ भी नहीं है भाई इधर, बस इधर ऐसे ही है, खाली मैदान छोड़ के रखा है इन्होंने। यहाँ पे आप अपना फ्लाइट का देख सकते हो, अभी मेरी फ्लाइट दुबई की। सा कोई नहीं तुझसा, कोई नहीं, ए रसूले आमी खातमल मुरसली, मुस्तफा मुज्तबा तेरी मद्दा हुसना, दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं, ए रसूले आमी
खातम अल मुरसलीन। तो ये है हमारा लॉन्च, कार्ड स्वाइप कर दिया हमने और ऊपर ही हमें मिलेगा प्रेयर रूम भी, तो फोर्थ फ्लोर पे जाना है अभी। चलो जी, फोर्थ फ्लोर पे जाके और वहीं पे हमें प्रेयर रूम भी मिलेगा। तो यहाँ पे लॉन्च है और ये है प्रेयर रूम, देखते कैसा है माशाल्लाह। अरे भाई साहब, वुजू के लिए ये है यहाँ पे, और यहाँ पे शूज़ उतार के क़िबला इस तरफ है। चलो आधे घंटे के बाद आते हैं इंशाल्लाह। लॉन्च देखते हैं कैसा है, क्या मिलेगा खाने में। लॉन्च एक्सेस अगर आपके पास हो तो खाना पूरा फ्री होता है। यहाँ पे खाने के लिए हमें ये पूरी वैरायटी मिल जाएगी, ये लॉन्च की आई थिंक, एंड यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं। चलो आपको टूर कराते हैं। तो यहाँ पे वी हैव ऑल द ड्राई फ्रूट्स एंड देन वी हैव वेजिटेबल्स। भाई साहब ये सब हेल्दी खाना है, फुल हेल्दी खाना, बट मेरा मन नहीं कर रहा है हेल्दी खाने का। तो जी हमारा अभी इधर यहाँ पे ऑमलेट बनने वाला है। आपका नाम? जेहान। ओके माशाल्लाह। यार ओके, दिस इज अंडा। अच्छा जी, निकाल के रखा हुआ है पहले से। रावण है शेफ और सू शेफ। या ओके, आई एम द सू शेफ, सीनियर शेफ। माशाल्लाह भाई, डू वी हैव अ केचप? ओ वाओ, केचप बोला आपने तो पूरा कटोरा ही डाल दिया। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। 5 minutes later लो जी हमारी नमाज हो गई यहाँ पे, और अभी चलते हैं बाहर कुछ और खाते हैं। लो जी कॉफ़ी पी रहे हैं अभी, नमाज हो गई है, कॉफ़ी हो गई है, खाना हो गया है, और अब वेट कर रहे हैं फ्लाइट का। अभी भी 2 घंटे बाकी हैं, तो एंजॉय करेंगे। ये व्यू देखिए यहाँ पे। अगर आपको लॉन्च में आना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए कोई, मतलब यहाँ पे कुछ कार्ड्स चलते हैं, अगर आपके पास वो प्रायोरिटी कार्ड्स हैं तो आपको 2 रुपये लगते हैं। मुझे 2 रुपये लगे यहाँ पे आने, सच में। जो मैं पुणे में लॉन्च में गया था वहाँ पे भी 2 रुपये लगे, यहाँ पे मुझे 2 रुपये लगे, तो 2 रुपीज़ में लॉन्च में आ गया माशाल्लाह। यहाँ पे चार्जिंग पॉट भी है, यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हो। ये यहाँ का वॉशरूम है माशाल्लाह, सब ऑटोमेटिक है भाई। देखो ये बटन दबाओ, पानी चालू, ज़बरदस्त वॉशरूम इज सुपर। एक एक चीज़ उन्होंने बहुत सोच समझ के, मतलब फुल ऑन डिज़ाइन करके बनाई है। इवन वॉशरूम्स देख लो आप यहाँ के, कुछ भी देख लो, हर एक चीज़, मतलब कुछ भी देख लो, एवरीथिंग इज़ टॉप क्लास। लो जी लेट हो गया हूँ मैं ऊपर मस्त आराम से बैठा था, और इधर फाइनल कॉल चल रही है C1, C2, C3 पे है हमारा। हमारी फ्लाइट C3 पे है और अभी भागना पड़ेगा। ये देखिए C3 पे फाइनल कॉल चल रही है। तो गाइस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके वीज़ा पे और आपके पासपोर्ट का जो नंबर है और आपका नेम है, अगर वो मैच नहीं करता है तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे चेक नहीं करते हैं। जहाँ पे आप इमिग्रेशन करते हो वहाँ पे भी चेक नहीं करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप जब आप बैग चेक इन करते हो वहाँ पे भी चेक नहीं करते। तो जब आप फ्लाइट चढ़ने वाले होते हो ना, तब चेक करते हैं, और एक बंदे को वापस भेज दिया उसकी वजह से। भाई भीड़ लगी पड़ी है इधर तो बहुत ज़्यादा। भाई साहब रेडी टू फ्लाई टू दुबई। इंसान को सिर्फ 3 खौफ होते हैं। पहला खौफ मौत, अल्लाह फरमाता है जिंदगी और मौत मेरे ही हाथ में है, बीमारी और मौत से मत डरो। दूसरा खौफ कोई मुझे जलील ना कर दे, और अल्लाह फरमाता है इज्जत और जिल्लत सिर्फ मेरे हाथ में है। तीसरा खौफ रिजक की वजह से परेशान होना, अल्लाह फरमाता है सारी दुनिया को रिजक पहुंचाने का जिम्मा मेरे ही पर है, तो डर किस चीज का। डरे हुए लोग कभी आजाद नहीं होते। अल्लाह से मांगो, रोजाना अल्लाह से तौबा करो, अपना ईमान अपना तवक्कुल अल्लाह पर मजबूत रखो, बेशक अल्लाह आपके लिए काफी है। लो जी दुबई आ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ऑसम वेदर है भाई, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेट्स गो। मैंने इतना बेहतरीन वेदर आज तक दुबई में नहीं देखा, दिस इज माय सेकंड टाइम। और हमारा एक दोस्त आ रहा है हमें पिक करने के लिए,
तो गाइस यहाँ पे वॉच भी देखिए, रोलेक्स की होती है माशाल्लाह, रोलेक्स वॉच हर जगह पे। चलिए अभी हमें ट्रेन में जाना है। सो ये है वो, एक तो इसको बुलेट ट्रेन कह सकते हैं यार, बहुत फास्ट जाती है। अभी बैग लेना है हमारा, बट यहाँ पे इन्होंने अपना जो इमिग्रेशन वाला सीन है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया है और बहुत इजी कर दिया है। सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो अभी हमें जाना है 5 नंबर पे, जहाँ पे हमारी बैग है, दैट इज़ 5। तो यहाँ पे हमारा बैग हमें मिल जाएगा। चलो जी, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और हमारा दोस्त आ रहा है, कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। चलिए।